साथियों, हमारे यहां ऐसी कई चीजें हैं जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है, होए दो। हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है। हमने इसको बदलने की ठानी। हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए? हम जो घर बनाते हैं वो तेजी से पूरे क्यों ना हो? सरकार के मंत्रालयों के लिए ये जरूरी है कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे ना हो, बल्कि स्टार्टअप की तरह चुस्त भी हो और दुरुस्त भी होने चाहिए। इसके लिए हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का आयोजन किया और दुनिया भर की अग्रणी कंपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया। मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 50 से ज्यादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने इस समारोह में हिस्सा लिया, इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस ग्लोबल चैलेंज से हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है। इसी प्रक्रिया के अगले चरण में अब आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलियंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी एक शहर में इस्तेमाल हो रही है, कल को इन्हीं का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है।